हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सजनी नाम की लड़की से, जो एक फिजिक्स टीचर है और एक रोबोटिक एग्जीबिशन के लिए सिंगापुर आई थी। सजनी वहाँ पर अपने स्कूल की तरफ से आई थी। सभी टीचर्स डिसाइड करते हैं कि वो रात को एक पब में जाएंगे, इसलिए पब में जाकर वो सभी लोग डांस करने लगते हैं। आज सजनी का बर्थडे था, इसलिए सारा चाहती है कि वो ड्रिंक करें। सजनी इसके लिए मना कर रही थी, तभी सजनी को उसके पियोन से सिड का कॉल आता है। सिड को सजनी बताती है कि सारा चाहती है कि सजनी ड्रिंक करे, तो सिड कहता है कि आज सजनी का बर्थडे है, इसलिए उसे एंजॉय करना चाहिए और थोड़ा सा मॉडर्न भी बनना चाहिए। जिसके बाद सजनी सारा के साथ जाकर डांस करने लगती है। वो काफ़ी ड्रिंक करती है, जिसके बाद वो टेबल पर चढ़कर लड़कों के साथ भी डांस करने लगती है। तभी सारा को स्कूल से किसी का कॉल आता है, क्योंकि सारा ने अभी तक इवेंट के फोटोज नहीं भेजे थे। सारा उसी वक्त सबको फोटोज भेज रही थी, तभी वो गलती से सजनी का डांस वाला वीडियो भी शेयर कर देती है। और जैसे ही वो वीडियो शेयर करती है, सजनी का वीडियो वायरल हो जाता है। हर तरफ सजनी की बदनामी हो रही थी कि एक टीचर इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती है। सजनी को जब इस बात का पता चलता है तो वो काफी टेंशन में आ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने रूम में जाती है और किसी से भी बात नहीं करती। अगले दिन वो सभी लोग इंडिया वापस आ रहे थे। सजनी बार बार सिड को कॉल कर रही थी, लेकिन सिड उसका कॉल नहीं उठा रहा था। वो जब इंडिया आते हैं तो सजनी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। एक्चुअली सजनी पुणे के एक स्कूल में जॉब करती है, तो वही उसकी फैमिली नगर में रहती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तभी सजनी को पता चलता है कि उसे और सारा को जॉब से निकाला गया है। अब सजनी ये देख कर तो और ज़्यादा डर जाती है। सारा इस बात को नोटिस कर लेती है और वो सजनी को अपने घर लेकर जाती है। लेकिन सजनी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार सिड को कॉल करती है, लेकिन सिड उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए सजनी अपने रूम पर चली आती है। अब सजनी के साथ उसकी रूम में छवि भी रहती है, जो अभी रूम पर नहीं थी। सजनी अकेले बैठ कर यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे। तभी सजनी को सिड का कॉल आता है और वो उसे डांटने लगता है कि वो इस तरह से बिहेव कैसे कर सकती है। वो सजनी से कहता है कि उसने उसे इतना भी मॉडर्न होने के लिए नहीं कहा था। सजनी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिड उसकी बात नहीं सुनता और सजनी से कहता है कि वो यहाँ से कहीं चली जाए, क्योंकि सजनी की वजह से उसकी भी बहुत बदनामी हो रही थी। इसलिए वो सजनी से कहता है कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए, वो सजनी को देखना नहीं चाहता। सजनी जब ये सुनती है तो वो और ज़्यादा टूट जाती है। तभी सजनी अपने वीडियो के नीचे वाले कमेंट्स देखने लगती है, जहाँ पर उसके स्टूडेंट्स ने उसके बारे में बहुत कुछ गलत बोला था। ये देखकर सजनी काफ़ी रोने लगती है, जिसके बाद वो कहीं चली जाती है। लेकिन जाने से पहले सजनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, जिसमें लिखा था कि उसका वीडियो वायरल हो गया। सजनी की गलती थी कि उसने जाकर इस तरह से डांस किया, लेकिन उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि सब लोग उससे नफरत करेंगे। सजनी कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा। वो जा रही है और इसका जिम्मेदार सिड और उसके पापा हैं। जैसे ये पोस्ट वायरल होता है, सब लोग चाहते हैं कि पुलिस वाले सजनी को ढूंढें, इसलिए पुलिस वालों पर प्रेशर बढ़ने लगता है। अब सब लोग सजनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सजनी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था, इसलिए इस केस को इंस्पेक्टर बेला को दिया जाता है। बहुत से लोगों को यही लग रहा था कि ये पोस्ट डालने के बाद सजनी की मौत हो गई। सबसे पहले बेला को पता करना था कि सजनी जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है, और अगर मौत हुई है तो यह मर्डर है या सजनी ने खुद को कुछ कर लिया। इसलिए बेला अपने काम पर लगती है और सबसे पहले वो सजनी की फैमिली के बारे में पता करती है। तब उसे पता चलता है कि सजनी की फैमिली में उसके मम्मी पापा, छोटा भाई आकाश और उसके चाचा हैं। उसके चाचा को जैसे ही पता चलता है कि सजनी का वीडियो वायरल हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि सजनी के पापा सजनी की जान ले लें, जिस पर सजनी के पापा कहते हैं कि वो देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सजनी के घर वाले उसके भाई आकाश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो हमेशा उसकी सबके सामने इंसल्ट किया करते थे, जिसकी वजह से आकाश के अपने घर वालों के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी। बेला जब सजनी के पापा से पूछताछ करने जाती है, तो वो बेला के साथ काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं। बेला इस बात को नोटिस करती है कि सजनी के पापा को बिल्कुल भी दुख या चिंता नहीं थी कि उनकी बेटी गायब है, इसलिए बेला को सजनी के पापा पर बहुत शक हो रहा था। तो वही सजनी की माँ की बात करें तो उसे कोई भी बात बोलने की परमिशन नहीं थी। जैसा सजनी के पापा कहते हैं वो बस उतना ही बोल सकती थी।
बेला इस बात को नोटिस करती है और वो वहां से चली जाती है। अब बेला को सिड पर भी शक था क्योंकि वो सिड को कब से बात करने के लिए बुला रही थी लेकिन सिड भाग रहा था। अब सिड की बात करें तो सिड बेंगलोर की आईटी कंपनी में जॉब करता है और कुछ मंथ्स पहले ही सजनी और सिड की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात उनके पेरेंट्स ने करवाई थी क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये दोनों शादी कर लें। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी शादी भी फिक्स हुई थी। तो वही बेला को ये पता चलता है कि सजनी का लास्ट लोकेशन बेंगलोर का आईटी ऑफिस था। ये देखकर बेला समझ जाती है कि सजनी लास्ट टाइम बेंगलोर गई थी, इसलिए अब उसे पूरा शक सिड पर ही था। लेकिन सिड उनसे बचकर भाग रहा था। बेला उससे बात करने की काफी कोशिश कर रही थी लेकिन सिड वहां से भाग जाता। जब बेला छवि के साथ इंक्वायरी करने आती है तो उसे सिड का कॉल आ रहा था। बेला उस कॉल को रिसीव करती है और सिड को वार्न करती है कि वो भागना बंद करे, लेकिन सिड उनके हाथ नहीं आता। सिड बार बार भाग रहा था और उसका लॉयर भी उसे यही समझा रहा था कि वो भागना बंद करे क्योंकि ऐसा करने से पुलिस का शक उस पर और बढ़ जाएगा। लेकिन सिड काफी डरा हुआ था इसलिए वो पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सिड का कैरेक्टर लड़कियों के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बेला जब सजनी और सिड के चैट्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि सिड सजनी को विदाउट कॉन्डम सेक्स के लिए फोर्स किया करता था, इसलिए अब बेला का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद बेला सजनी के स्कूल जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात सजनी के प्रिंसिपल कल्याणी से होती है। कल्याणी बताती है कि सजनी ने गलत किया था, उसे एक ऑफिस ट्रिप पर जाकर इस तरह से डांस नहीं करना चाहिए था। वो एक रिस्पॉन्सिबल टीचर है और उसे पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन बेला को सारा ने बताया था कि कल्याणी नहीं चाहती थी कि सजनी इस ट्रिप पर आए, इसलिए सारा सजनी को अपने खर्चे पर सिंगापुर लेकर गई थी। बेला कल्याणी से पूछती है कि वो सजनी को क्यों भेजना नहीं चाहती थी, तो कल्याणी बताती है कि सजनी के लिए इन्विटेशन नहीं आया था। लेकिन बेला उसे याद दिलाती है कि सजनी के लिए इन्विटेशन आया था, फिर भी कल्याणी उसे कैंसिल कर रही थी। तब कल्याणी बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि सजनी ट्रिप पर जाए क्योंकि कल्याणी अपने किसी फेवरेट टीचर को ट्रिप पर भेजना चाहती थी। कल्याणी कहती है कि अगर वो ट्रिप पर ना चाहती तो शायद उसके लिए अच्छा होता क्योंकि वो ट्रिप पर चली गई और ये सब हो गया। तब बेला उसे पूछती है कि एक वीडियो वायरल होने पर उसने सजनी को जॉब से क्यों निकाला, तो कल्याणी का कहना था कि पेरेंट्स का प्रेशर काफी बढ़ रहा था इसलिए स्कूल की रेपुटेशन के लिए उसने सारा और सजनी को जॉब से निकाल दिया। कल्याणी की बातें सुनकर अब बेला को कल्याणी पर भी डाउट हो रहा था। जब बेला घर जा रही थी तो वो देखती है कि हर तरफ सजनी के होर्डिंग्स लगे थे। एक्चुअली ये सब कुछ सारा ने करवाया था क्योंकि वो चाहती है कि सजनी का जल्दी से पता चले। तभी बेला को पता चलता है कि एक डैम के पास पानी में सजनी की आईडी मिली थी। बेला जब वहां पर जाती है तो वो समझ जाती है कि शायद सजनी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए वो सजनी की बॉडी को पानी में खोजने के लिए कहती है लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिलती। लेकिन वहां पर सजनी के शूज मिल जाते हैं जिसे बेला फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास लेकर जाती है और वो लोग बताते हैं कि सजनी ने काफी ऊपर से जंप किया होगा। लेकिन बेला काफी हैरान थी क्योंकि शूज तो डैम के पास मिले थे, अगर सजनी पानी में कूदी थी तो शूज पर इतना प्रेशर कैसे हो सकता है। इतना प्रेशर तो तभी होता जब सजनी जमीन पर गिरी होती। अब बेला को ऐसा लगता है कि शायद सजनी की मौत पहले हुई होगी जिसके बाद उसे किसी ने लाकर यहाँ पर छोड़ दिया था और पानी के साथ उसकी बॉडी बह गई होगी। अब बेला को सजनी के भाई आकाश पर भी शक था इसलिए वो दो हवलदार को उस पर नजर रखने के लिए कहती है। जब आकाश अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि 15 साल पहले आकाश की कजिन भी इसी तरह से गायब हो गई थी। उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं, अब उनके घर वालों को नहीं पता था। आकाश कहता है कि शायद सजनी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए इसलिए वो चाहता था कि उसकी बहन जल्दी से मिल जाए। जब ये बात बेला को पता चलती है तो वो फिर से सजनी के पापा से पूछताछ करती है, लेकिन सजनी के पापा आज भी बेला को कुछ भी जवाब नहीं देते। इस बात से बेला काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि सजनी के पापा कुछ छुपा रहे थे ये उसे पता था। तो वही बेला सिड के पास भी चली जाती है। वो सिड को समझाती है कि जो भी सच है वो बता दे, लेकिन सिड भी कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी वहां पर सिड का लॉयर आता है और सिड को वहां से ले जाता है। अब सजनी के घर वालों का कहना था कि सिड की वजह से ही सजनी गायब हुई है, तो वही सिड का कहना था कि सजनी अपने घर वालों की वजह से गायब हुई है क्योंकि सजनी के घर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसके पापा सजनी को छोटी छोटी बात पर डांटा करते थे, लेकिन सजनी की माँ अब सजनी के लिए काफी बुरा फील कर रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है
कि अब वो सजनी के पापा के साथ नहीं रहेगी। वो सजनी के पापा से कहती है कि वो उनके साथ झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। ये सुनकर सजनी के पापा भी काफी सदमे में चले गए थे। तब हमें पता चलता है कि सजनी के पापा ऐसे नहीं थे, वो बस स्ट्रिक्ट होने का नाटक करते थे, क्योंकि उनका भाई ऐसा चाहता था, इसलिए सजनी के पापा भी उस तरह से बिहेव करते थे। जब सजनी के पापा को रानू के अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो वो जानते थे कि उनका बड़ा भाई रानू को मार देगा, इसलिए उन्होंने रानू और उस लड़के को वहां से भगा दिया था, ताकि वो दोनों कहीं और जाकर शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। तो वही सिर का लॉयर सिर से कहता है कि वो मीडिया से बात करे, इसलिए सिर जाकर मीडिया से बात करता है और वो सबको बताता है कि वो सजनी से बहुत प्यार करता था। जब सजनी का वीडियो वायरल हो गया तो वो सजनी पर गुस्सा भी हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने सजनी को मार दिया या उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। सिर कहता है कि वो आज भी चाहता है कि सजनी वापस आ जाए, क्योंकि वो आज भी सजनी से उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। लेकिन बेला को सिर पर अभी भी बहुत शक था। तब भी बेला को कुछ सबूत मिलते हैं, इसलिए वो कल्याणी के पास चली जाती है और कल्याणी से पूछती है कि सजनी जब कल्याणी से आखिरी बार मिलने आई थी तब क्या हुआ था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस रात को सजनी गायब हुई थी उससे पहले वो कल्याणी के पास गई थी। वो कल्याणी से काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे जॉब से ना निकाला जाए, लेकिन कल्याणी कहती है कि वो सजनी को वापस जॉब पर नहीं रख सकती, क्योंकि सजनी की वजह से उनके स्कूल की बहुत बदनामी हो गई थी। वो सजनी को काफी बातें सुनाती है जिससे सजनी काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। सजनी जब वहां से बाहर आती है तो वो ऊपर से कूद गई थी और तभी सजनी की मौत हो गई थी। कल्याणी और उसका असिस्टेंट ये देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन कल्याणी कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि एक टीचर की स्कूल में मौत हो चुकी है तो उनके स्कूल की बदनामी होगी। और जब सबको पता चलेगा कि कल्याणी की बातों की वजह से सजनी की मौत हो गई तो कल्याणी की बदनामी होगी, साथ ही कल्याणी को सजा भी हो सकती है। इसलिए कल्याणी ने अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर सजनी की बॉडी को डैम में फेंक दिया, जिसके बाद उसने सजनी के मोबाइल से वो पोस्ट डाली कि वो हमेशा के लिए जा रही है और इसका जिम्मेदार उसके पापा और सिड है। जिसके बाद कल्याणी ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो सजनी का मोबाइल स्विच ऑफ करे और बेंगलोर जाकर ऑन करे। उसके सेक्रेटरी ने ऐसा ही किया, इसलिए बेला को सिड पर शक हो रहा था। लेकिन बेला कहती है कि कल्याणी की पोस्ट की वजह से ही कल्याणी पकड़ी गई, क्योंकि इससे पहले सजनी ने जो भी पोस्ट डाली थी उसमें वो एक बार ही फुल स्टॉप लगाया करती थी, लेकिन कल्याणी ने जो पोस्ट डाली थी उसमें 3-4 फुल स्टॉप थे, जिसे देखकर बेला समझ गई थी कि ये सब करने वाली सजनी नहीं बल्कि कोई और है। जब उसने कल्याणी का सोशल मीडिया चेक किया तब उसे समझ आ गया कि कल्याणी को इस तरह से टाइप करने की आदत थी, इसलिए उसने कल्याणी के मोबाइल को ट्रैक किया और तब उसे पता चला कि जिस डैम के पास सजनी के शूज मिले थे वहां पर कल्याणी का मोबाइल भी था, यानी कि कल्याणी भी वहां पर गई थी। बेला कहती है कि जब वो कल्याणी से पूछताछ करने के लिए आई थी तो कल्याणी ने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि सजनी मर चुकी है। बेला ने और भी कई लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन सभी को ऐसे लग रहा था कि सजनी कहीं चली गई है। लेकिन कल्याणी की बातों से पता चल चुका था कि कल्याणी को लगता है कि सजनी मर चुकी है। बेला कहती है कि कल्याणी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। स्कूल की इमेज बचाने के लिए उसने एक टीचर को मरने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद बेला कल्याणी और उसके सेक्रेटरी को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें 3 साल की सजा हो जाती है। बेला बहुत खुश थी क्योंकि उसने केस सॉल्व कर दिया था। साथ ही बेला कहती है कि सजनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बस खुद पर हिम्मत रखनी होगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Thanks for watching the video.